मैं करीबन 20 साल से मराठी फिल्में कर चुका हूँ। करीबन 17-18 फिल्में मेरी हुई है, मुझे नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन मैं थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि जब तक कि कहानी अगर अच्छी नहीं मिलती मुझे, तो मैं वो उस पर फिल्म बनाता नहीं हूँ कभी, चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो। मैं सबसे बड़ा मायने रखता हूँ कहानी को, और कहानी किस तरीके से कहाँ जाती है, लोगों को बताई जाती है, उस पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इस फिल्म के राइटर है मिस्टर प्रवीण तरड़े, उनके लाइफ पे ये फिल्म आधारित है, एंड ही इज़ ओनली रिटन दिस फिल्म, एंड इट्स वेरी यूनिक। इसमें इट्स नॉट कुछ भी हमने कुछ फिल्मी लाने की कोशिश नहीं की है, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, इट्स वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। कहानी इस ढंग से मैं कह रहा हूँ कि एक फुटबॉल बेस्ड कहानी है, जहाँ यंग जनरेशन चाहिए, जो कि 20 और 22 साल के अंदर, और मैं उसी के लिए वो दोनों नए चेहरे लिया हूँ उसके लिए, क्योंकि वेल नोन एक्टर इसमें फिट बैठते नहीं थे, क्योंकि उनका एज तो एज ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और मुझे वो बात नहीं चाहिए थी मेरे फिल्म में कि ये यार ये हीरो ने काम किया है, ये वो प्लेयर प्लेयर लगना चाहिए, स्टारिज्म नहीं चाहिए था, एक सिंप्लिसिटी चाहिए थी और वो कैरेक्टर लगने चाहिए थे। इसकी वजह से मैंने दोनों बच्चों को नया लिया, एक आदिनाथ कोठारे और सिद्धार्थ खेर। फुटबॉल बेस गेम है, जो हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स गेम में यहाँ तक घुस गई है कि हमारी आबादी 125 करोड़ की है, फिर भी हम लोग अच्छे प्लेयर दे नहीं सकते इंडिया की तरफ से, और इसलिए फुटबॉल को सामने रखे, उसके ऊपर हमने ये पूरी कहानी ये की है कि किस तरीके से गेम खेला जाता है, किस तरीके से पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। द कैरेक्टर इन दिस फिल्म आई प्ले इज कॉल्ड शेखर वर्मा, ही इज द कैप्टन ऑफ द महाराष्ट्र फुटबॉल टीम, एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, एंड हिज ओनली ऑब्सेशन इन लाइफ इज टू प्ले फुटबॉल, एंड हिज फादर नोज कि मेरा बेटा अगर कुछ करेगा तो वो फुटबॉल ही खेलेगा, तो वो भी यही चाहता है कि वो अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए जो कर सकता है वो कर ले। और आगे यही जब महाराष्ट्र टीम अपना एक ट्रॉफी जीतने के बाद जब इंडियन टीम की सिलेक्शंस होती हैं, तो जो जो सिचुएशंस अराइज होते हैं, तो या दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट।